डियर स्टूडेंट्स, 66वीं बीपीएससी के लिए जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं टॉपिक्स लेकर, उसमें एक सेगमेंट है डिस्ट्रिक्ट को करना, ज़िलों को करना। टोटल 38 ज़िले हैं, वन बाय वन हम लोग एक ज़िले हर टॉपिक में ले रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ज़िलों से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और इन क्वेश्चंस को हम कहाँ से इकट्ठा करें, इनके आंसर्स हम कैसे तैयार करें, कहाँ से पढ़ें, मैगजीन्स कौन सा हो, बुक्स कौन सा हो, नेट को कैसे यूज़ करेंगे, ये सब आज अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पिछला एग्ज़ाम जो 65वीं बीपीएससी का हुआ था दिसंबर में 2019 में, उसमें डिस्ट्रिक्ट से 9 क्वेश्चंस थे। आइए वन बाय वन सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो हम लोग इसे कैसे टैकल करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आया था कश्मीर के राजा से संबंधित, ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा टफ था। क्वेश्चन था कि यूसुफ शाह चक, जो कश्मीर का अंतिम मुस्लिम शासक था, उसे निर्वासित करके बिहार में भेज दिया गया था, अंतिम रूप से यह शासक कहाँ दफन है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो मध्यकाल में बिहार की राजधानी नालंदा यानी बिहार शरीफ था, इसलिए यहाँ पर कॉमन सेंस लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं, बिहार शरीफ, इसका आंसर बिहार शरीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जो हमने पहले भी आपको दिखाया है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड था, जिसमें महापाषाणिक संस्कृति यानी मेगालिथिक साइट मिला है। महापाषाणिक संस्कृति प्राचीन काल में भारत में, दक्षिण भारत में विकसित हुई थी, जो अपने सदस्यों का अंतिम संस्कार विशाल पत्थरों को खड़ा करके यादगार के रूप में करते थे, इसे हम लोग महापाषाणिक संस्कृति के रूप में जानते हैं। बिहार में कैमूर में इस तरह का एक साइट मिला था, पिछली बार हमने ये आपको दिखाया भी था। तो ये क्वेश्चन कैमूर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित था, बड़ा क्वेश्चन था, चूँकि अखबारों में ये हेडलाइन बना था। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आप अखबार ज़रूर पढ़ें, पेपर से आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्लस ज़िलों से संबंधित या राज्य से संबंधित इन्फॉर्मेशन्स मिलते रहते हैं एवरीडे। उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि बिहार का कौन सा ज़िला है जो सबसे घना पतझड़ वन वाला यानी डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट है। अब यह फॉरेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पश्चिम चंपारण इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन वन से फॉरेस्ट से संबंधित था। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है कि कौन सा गंगा नदी किस जिले में सबसे लंबी बहती है, यानी सबसे अधिक लंबाई में गंगा रिवर बिहार के किस जिले में बहती है। ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, भागलपुर पटना को लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूज हुए थे, इसका आंसर पटना है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पटना ज़िले से आ गया, जिसमें गंगा नदी, आप जानते हैं कि गंगा नदी बिहार को दो पार्ट में स्पष्ट रूप से विभाजित करती है, बिहार की सबसे प्रमुख नदी, इसके डिटेल्स तो हमें लेने ही चाहिए। तो बिहार में सबसे लंबी बहती है पटना ज़िले में गंगा रिवर। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 108 नंबर, ये ग्रुप बी का, सेट बी का क्वेश्चन है, और इसमें जो आंसर लगा हुआ है उस पर आप रिलाई ना करें, चूँकि ये किसी स्टूडेंट का है। ये 108 नंबर में अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि कौन सा ज़िला है जो पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे डेंस है, हाईएस्ट जनसंख्या घनत्व। तो ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, बिहार का कोई भी बुक आप पढ़ रहे होंगे तो ये पहले दो पेजेस में ही दिख जाएगा, तो शिवहर इसका आंसर हो जाएगा, तो शिवहर इसका आंसर होगा। उसको नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ वाला था, थोड़ा टफ था, और ये क्वेश्चन बिहार के भूगोल से संबंधित था। पहला ही टॉपिक बिहार के भूगोल का आप पढ़ेंगे तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिहार का जब आप पढ़ेंगे, भूगर्भिक संरचना, तो ये प्रश्न आ जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार का कौन सा ज़िला नहीं है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों वाला है। अब ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो हो जाएगा रोहतास। यहाँ पर आप देखें, हम आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये क्राउन का एक पेज है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है बिहार का भूखंड 4 भाग में बटा हुआ है अलग अलग कालों के हिसाब से, ये है आर्कियन, विंध्यन, क्वार्टरनरी और टर्शियरी। सबसे प्राचीन काल की चट्टानें आर्कियन काल की चट्टानें हैं, जो दो पार्ट में विभाजित हैं, आर्कियन और धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखिए दिया हुआ है बुक में, और ये साफ लिखा हुआ है कि नवादा है, जमुई है, मुंगेर है, बिहार शरीफ है, ये सब ज़िले ऐसे हैं जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों वाले हैं, जबकि रोहतास धारवाड़ नहीं, विंध्य क्रम की चट्टानों से संबंधित है। यहाँ पर यह पेज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि भूगर्भिक संरचना जब आप पढ़ते तो इस क्वेश्चन को आप हल करते। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है, वन्य जीव अभ्यारण्य, और बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत फेमस है, जो मुंगेर ज़िले में स्थित है, और ये पिकनिक स्पॉट भी है, बिहारी लोग कम से कम इस नाम को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। तो भीम बांध बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है मुंगेर ज़िले में।
तो ये क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं था। तो जितने भी ज़िले आप कर रहे हैं वहाँ पर सेंचुरी और नेशनल पार्क करना ही करना है, तो ये क्वेश्चन बनने वाला था। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन भी बनने वाला था, यहाँ पर लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो से है। और हमने हमेशा कहा है कि जब भी आप 2011 की जनगणना करते हैं बिहार के ज़िले को भी साथ में आप करें। तो ये तो बिहार का केरल कौन सा ज़िला है, गोपालगंज, हर कोई जानता है। सेक्स रेशियो सर्वाधिक गोपालगंज में है। और अगर सबसे कम की बात करें तो मुंगेर में सेक्स रेशियो सबसे कम है। उसके बाद ज़िलों से संबंधित जो लास्ट क्वेश्चन 149 नंबर आप देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट से संबंधित था, कृषि कुंभ मेला, ये भी बहुत बड़ा हेडलाइन बन रहा था जब ये कृषि कुंभ मेला लगा था। मोतिहारी इसका आंसर होगा, ये करंट का क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ हिस्टोरिकल हैं, कुछ ज्योग्राफिकल हैं, कुछ जीके टाइप के हैं कि बिहार में गंगा नदी सबसे लंबी कहाँ बहती है। आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी से ज़्यादा प्रश्न है, इतिहास से भी अच्छे खासे प्रश्न हैं और कुछ करंट के भी क्वेश्चन हैं। अगर इन सारे प्रश्नों को आप देखें तो अधिकतर प्रश्न किताब से हैं, टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉरेस्ट से था, पतझड़ घने पतझड़ वन वाला, ये पश्चिम चंपारण, ये ज्योग्राफी के फॉरेस्ट से था। उसके बाद देखिए जियोलॉजिकल से था, स्थिति था, भूगर्भीय संरचना, बिहार की भूगर्भीय संरचना से एक क्वेश्चन था रोहतास वाला। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन सब कुछ पढ़ने से आ जाएगा, बुक्स में दिया हुआ है। हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जब हम ज़िले कर रहे हैं तो उनके ऐतिहासिक, भौगोलिक, उनके जीके टाइप के कुछ करंट बेस्ड या फिर उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब हम ज़रूर करते हुए चलें। उम्मीद है कि इस एपिसोड से डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चंस को लेकर आपके मन में जो भ्रम या दुविधा होगी वो दूर हुई होगी। आप जब भी ये सारे टॉपिक्स कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उनके ऐतिहासिक, भौगोलिक, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण, नदी से संबंधित है, कोई खनिज है, या इसकी संरचनात्मक कोई विशेषता है, या फिर करंट से रिलेटेड, ये सब अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली कम से कम 5 से 8-10 क्वेश्चन आप मानकर चलें कि ज़िलों से संबंधित रहेंगे। और अगर इनमें से आप 60 से 70% भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी विजय होगी आपकी इस एग्ज़ाम में, और रिजल्ट में ये बहुत निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। तो इस तरह से ध्यान रखें कि हम ज़िलों को जब कर रहे हैं तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हमें लेकर आगे बढ़ना होगा। टेक केयर।